गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक पुश्तैनी घर के मामले में पटीदारों ने घुसकर दो सगी बहनों के साथ न सिर्फ बदसुलूकी की बल्कि उनकी पिटाई के बाद उन्हें जलाने का भी प्रयास किया। आज मोहनलाल गुप्ता घर पर नहीं थे जबकि उनकी दो पुत्रियां पूनम और नित्या घर पर अकेली थीं। पटीदार दयानंद और सुधीर गुप्ता अपने गुर्गों के साथ घर में घुसकर पहले तो उन युवतियों से दुर्व्यवहार किया और विरोध करने पर उन्हें बुरी तरह मारा पीटा और फिर उनके ऊपर मिट्टी का तेल भी छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वालों के हस्तक्षेप के कारण दबंगों के पांव पीछे हटते गए। आनंद फानंद में उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मामला रेती रोड स्थित कला निकेतन के बगल मोहनलाल गुप्ता के पुराने मकान का है जहां 19 साल से उक्त घर के मामले में मुकदमा चल रहा था। छोटी पुत्री नित्या गुप्ता ने पटीदारों और गुर्गों की दबंगई की कहानी सुनाई। 19 साल से झगड़ा चल रहा है लेकिन आज वो लोग घर में, हम और मेरे दीदी अकेले थे और मेरे पापा थे, तब तक में वो लोग लगभग 20-25 गुंडे आए और हम लोग का कमरा तोड़ने लगे। हम लोग रोकने गए तो वो लोग हम लोगों को ही मारने लगे और हम लोगों के साथ बदतमीजी भी किए। पापा को भी बहुत मारे हैं वो लोग। और मेरे भैया तब तक ऑफिस से आया तो उसको लोग पुलिस थाने लेते गए और वहीं पे बैठा लिए हैं। वो लोग मेरे पटीदार थे,